नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सतेज सकाल आउ एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करछु। मु स्वप्ना आ मो सहित अछंती मो सहयोगी निवेदिता। प्रतिदिन परि आज मध्य आम पाखरे अनेक गुडिया पेपर अछि एवं को खबर कागज को महत्व दिया जाइछि, को खबर को ता आमे आलोचना करबा। आम सहित आम रिपोर्टर माने मध्य जोडी हेबे। मो सहयोगी निवेदिता कहबे कोन कोन आज प्रमुख खबर रहिछि। नहीं स्वप्ना, आज आम पाखे अनेक गुड़े खबर रही, से खबर को नहीं आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। अव्यवस्था सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस आम समस्त जानते, किंतु फार्मासिस्ट को उपरे चाप पड़ुछि। सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र रे अनेक समस्या मध्ये देखुछि। ग्रामांचल अव्यवस्था तो आम देखी, चाषी को काम आसुनी। कुलापड़ा जलसेचन प्रकल्प जमी अधिग्रहण होइछि, खोला जाउनी जलाशय। खोर्धा जिल्लार खबर आसुछि, शीतल भंडार नाही, उत्पादन बेले शस्तार बिक्री, क्षति सहुछि चाषी। शीतल भंडारटे जदि कम से कम थांता हुए तो गच्छित करि रखिहुंता, किंतु सेतिकि जेतु हेउ नाही, तेणु चाषी माने कोटा कोटी क्षति सहुछन्ति। 10,000 पई जीवन नेइगले ये खबर रही, जो खबर को नहीं पूरा राज्यव्यापी चर्चा एवं चर्चा थमी नहीं जाए। मेमोरी चिप एवं भी गायब, मेमोरी चिप विषय कौन से पता नहीं। मानसी हत्या मामलें एमती एक खबर आसूरी, हाथ में भांगी देला 43 चुली, ये खबर मध्य चर्चा रे लगातार भाव जो देखा जाए। शनिवार रात्रि घटना को नहीं वर्तमान पर्यंत सस्पेन्स रही, जनक द्वारा केमती संभव होला, केमती से प्रवेश कला एवं सुरक्षा व्यवस्था को नहीं प्रश्न उठू। प्रकल्प थाई भी पापाई हाहाकार, ये खबर रही जाजपुर। या सहित शोष मेटाऊँच चुआपाणी जल समस्या, जहाँ को लगातार खबर देखते, ये खबर बाबद आलोचना करवा। स्वप्ना तेज नवेदिता, प्रथम खबर को जीवा अव्यवस्था सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र, एभली कि खबर भुवनेश्वर आसी। आज स्वास्थ्य दिवस समस्ते जानते, आज वर्ल्ड हेल्थ डे, किंतु जदि कहबा सहरांचल रे ही स्वास्थ्य व्यवस्थार विकल चित्र सामना को आसी। पहाड़ पात्र पड़ा और धौली कला राहंग, यारी भितर राजधानी संख्या प्राय 12 लक्ष पार कर। स्वास्थ्य सेवा दृष्टि राजधानी चिकित्सालय व्यतीत राजधानी में 22 सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4 गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रही। आकलन जमापड़ प्रतिदिन प्राय 20,000 लोक चिकित्सालय को आसुचंती। राजधानी चिकित्सालय को बाद देले अन्य प्राथमिक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में मध्य रोगी भिड़ होती। डाक्तर नहांती तो केउठी भारप्राप्त और कामचला अवसरप्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी कार्य करुछंती। केउठी केउठी मध्य नजर आसी फार्मासिस्ट माने मध्य रोगी मानक चिकित्सा करथुवा मध्य नजर आसी। एभली अव्यवस्था सामना को आसी एवं यह खबर कागज रे मध्य प्रकाश पाई। अव्यवस्थार घेर रे सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र, तेज संपर्कित तो अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर रु आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती आम सहित तो लाइव जोड़ी होती। स्वप्नांजलि कहबा जदि राजधानी भुवनेश्वर रे प्रतिदिन हजार हजार पेसेंट आसुचंती, हजार हजार रोगी तांकर चिकित्सा पई जाउचंती, किंतु खबर जहां प्रकाश पाई अव्यवस्था सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र एवं फार्मासिस्ट मानक उपरे चाप पड़ुछि, संपूर्ण घटना कौन कहबे? तो देखो स्वप्ना, जोभली भाव में राज्यर राजधानी सबुठ प्रमुख स्थल जो लोक सबुदिन जातायात होता है, अनेक घटना दुर्घटना होता है, किंतु से भाई स्थल में जितेबाला राजधानी अनेक चिकित्सालय जिते फार्मासिस्ट रोचार प्रपर जो मैंने डाक्तर रही, जो मैंने पाठ पढ़ी आसी बेकारी अनेक डाक्तर मैंने रही, जो मैंने शिक्षित डाक्तर को पोस्टिंग दि जाऊना, जहाँफल कि फार्मासिस्ट मानक उपर चाप पड़ी। अर्थात जितेबाला लोक संख्या अर्थात रोगी संख्या डाक्तरखाना बढ़ुंत, से ठीक परिमाण रे डाक्तर किंबा नर्स अवेलेबल रोना, जहाँपाई कि अनेक समय आक्रोश देखापी मिलता है। स्वप्ना कहीं अनेक समय रात्रिकालीन परिस्थिति हो बा दिन में जितेबाला अनेक रास्त दुर्घटना होता है कि इमरजेन्सी केस आसी थाए, से कौन सठिक डाक्तर न था हस्पिटाल विभिन्न गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र कथा कह जी राजधानी चिकित्सालय जहाँ को आम कैपिटाल हस्पिटाल कथा कौन बीएमसी जो हस्पिटाल रही सेनेक लोकर समस्या नहीं लोक मैंने रोगी मैंने जो मैंने जाते मध्य लंबा धाड़ी देखापी मिलता है। जदि ता भितर कौन गोटे इमरजेन्सी केस थाए सी से लंबा धाड़ी में रहापी पड़ता है, तेणु एभली विकल चित्र राजधानी आसी जोटा निहाती भाव में निंदन्य, कहीं राजधानी लक्ष लक्ष लोक बसवास करमरजेन्सी केस रही, समस्ते बड़ बड़ हस्पिटाल जावाई समस्त पाखे सक्षम न थाए, कि बड़ कथा हूँ जो राज्य में विभिन्न प्रकार पोस्ट वैकेंसी रोचे, खासकर डाक्तर पोस्ट वैकेंसी रोचे, डाक्तर मैंने शिक्षित
ତ ବେକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଏ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଏମ୍ସି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସବୁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ବା ସଠିକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ହେଉ ବା ଅତି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ କେସ୍ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ କାହିଁକିନା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ତେଣୁ ଏଭଳି ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ କହିପାରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର କୁ ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆଉ ନୂଆ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ୱପ୍ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇ ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ଖବରରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କେଉଁ ଖବର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା 43ଟି ଚୁଲି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯଦି ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରୋଷଘର ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପଣସ ଖାଇଲା ଜଣେ ଅଠା ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥାକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ କେମିତି ଜଗନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟେ କେମିତି ଯାଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ଯଦି ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଦିନ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଗୁଡ଼ମିଶା ମାଟିରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 60 ପୋଟି ରନ୍ଧାଯାଏ ସେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଚୁଲି ଗୁଡ଼ ମିଶା ମାଟିରେ ହୋଇଥାଏ ଅଠା ଭଳି ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତା ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଯାହା ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏକଥା ଗତକାଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଜଗନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜଗନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଜଗନ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟିଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟାଟା ପାୱାରରେ ସେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଜଗନ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଖବର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମସୁତ ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ଏବେ ବି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଜଗନ ଭଳି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟିଏ ଖାଲି ହାତରେ 43 ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଚୁଲି ରହିଛି ସେ ଗୁଡ଼ମିଶା ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ତା ପୁଣି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚୁଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାଳୁଚରଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଣିଥିବେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଲା ପଡ଼ୁନଥିଲା କାହିଁକି ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଷଶାଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 60 ପୋଟି ରନ୍ଧାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଶ କାହିଁକି ଦେଶ ବାହାରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ତାଲା ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ JTP ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଲର୍ଟ ନଥିଲେ ଜଗନ ଯଦିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ କାଣ୍ଡ ଏକୁଟିଆ ଘଟାଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଖାଲି ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଜଗନର ବୟାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଜଗନ ଏ କାମ କରିନଥିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଗନଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା କହିବେ ସ୍ୱପ୍ନା
जे जगन जने शांत स्वभाव रो जने श्रृंखलित स्वभाव रो जेतबे समय मिले से भारी ठाकुर प्रेमी से देवादेवी को पूजा करंती एमती कि चलित वर्ष जदि आपण देखिबे से चारि थोर श्री मंदिर जाइछंती किंतु काहे कि हटा जगन को मुंडो को एकथा आसिरा एते राति रे से केमति ता भितर को प्रवेश कले 11:30 राति रे श्री मंदिर रे पहड़ पड़ी जाए 11:30 परे कोनोसी प्रकारे कारी को अनुमति नाय केवल सुवार मासा रही मंदिर रो किंबा रोशोथरा रो कबाट बंद करी घर को फेरंती किंतु जगन केमती भितर पशिला एवं जगन को कहवा कथा जे जेते बेले महाप्रसाद विक्षिप्त हो पड़ता साधारण लोकटीए को टी महाप्रसाद मिलूनी लोके खावाक पाना तेणु तक राग बढ़ी अधिक आलोचना करवा कालचरण साहू आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ते कालचरण जगन एक कांड गटाई एक कई विश्वास करना कि साई पड़सा और गुड़ मिशा मटी द्वारा प्रस्तुत चूली भांग जड़े पुणी बिना अस्त्र खाली हाथ में संभव बिल्कुल नुहे एक नहीं अनेक प्रश्न सुरक्षा व्यवस्था के प्रश्न उठा नहीं कि प्रशासन तत्पर होता सीसीटीवी गुड़ जांच करी पुलिस कथा कहीपर मुख्य शासन सचिव श्रीमंदिर परिदर्शन करते सीसीटीवी जांच करते डी श्रीमंदिर बुले सीसीटीवी को देखते जड़े अभियुक्त जड़े संदिग्ध चिन्हट कर पुरी पुलिस और आरंभ होता तनाघना जो भाव में गत अभियुक्त को गिरफ करागला कोर्ट चालान करागला जगन महापात्र को कि जगन महापात्र प्रतिक्रिया को आप देखा चाहिए जगन महापात्र एक कहता जिते शनिवार विलंबित रात बड़सिंहा बेस दर्शन सारे और से रोषशाला भितर को प्रवेश करे से दिन रात कहीं रोषशाला खोला था यह प्रश्न उठी पड़ती और रोषशाला भितर प्रवेश कला जो महाप्रसाद पूरा विच्छाई हो पड़ी देखा पर मन क्षुद्ध होता से जगार पड़ी अया आवर्जना अर्थात कहते जगार पड़ी अया आवर्जना अर्थात कहुपर यह जो जरी गुड़िक कथा कह सढ़ई गुड़िक कथा कहता से सफा करते परवर्त समय चूला गुड़िक हाथ में भागी थ गणमाम स्वीकार करते पूरी एसपी प्रतिक्रिया करते तेज क्योंकि क्योंकि आपको 4.5 कोटी ओडिया विश्वास करवा सहज हो ना जड़े मात्र लोके हाथ में किप गुड़ मिशा माटी जे माटी की पूरा शक्त थाए अर्थात भांगा क्यों क्यों कष्ट साध्य जगन जे कि गोटे व्यक्ति जे कि रोषशाला भितर कि भाव में खाली हाथ में एते चूला भांगा पाखापाखि 23 चूला भांगा ए प्रश्न उंकी मारू जदि बेगुनिया अंचल जो युवक जनक जगन महापात्र पर ग्रामवासी प्रतिक्रिया हूँ जगन से भई व्यक्ति नुहे जे कि एभि कांड भिहाई जगन जन शांत स्वाभाविक व्यक्ति जे एभ जगन्नाथ को से विश्वास भक्ति कै देवादेवी को से भक्ति कै के से जगन एभ कांड भिहाई नतिक्रिया हूँ ग्रामवासी तेरे प्रश्न उंकी मारू एक जिते जगन प्रतिक्रिया कि कौन कि ना हाँ मुझे भांगी दे जगन वास्तव चापर पड़ी एक कथा कहते ना वास्तव जगन जगन रो बयान एबे भी कालचरण संध्या कर रे एपटे परिवार थरो आरंभ करी साई पड़सा मध्य समान कथा कहउछंती एमति कि सेवा त माने मध्य समान प्रतिक्रिया रखुछंती जनक पके बिल्कुल संभव नुए आ ए कथा मध्य खबर कागज प्रकाश पाइछे पणस खाइला जणे 8 जणक मुंडरे आपण मध्य कालचरण खबर उपर नजर रखिथांतु बहुत बहुत धन्यवाद कालचरण साहू आम प्रतिनिधि आमको खबर बाबद रे अधिक सूचना दउतले स्वप्न आगु मध्य अनेक गुडी खबर रहिछ आमे आलोचना करबा किंतु समय को छोटो ब्रेक रो ब्रेक नै जाउछु ते ब्रेक परे स्वागत जहाँ बहुत चर्चित कैमेरामैन मानस स्वाई हत्या मामला दिनकू दिन घनईबारे लगी 10,000 पाई जीवन नहींगले एभली किसी खबर प्रकाश पाई खबरकगज केवल 10,000 टंका कैमेरामैन मानस स्वाई को हत्या कर कैमेरामैन मानस स्वाई हत्या मामलें बुधवार नुआ तथ्य पदाक आसी जुना भई को जेरा बेले क्राइमब्रांच जानवाक मेमोरी चिप फेर मानस 10,000 टंका मगुते हेले शर्मिष्ठा राउत टंका देवाकु मना करिथिले टंका नदे मेमोरी चिप पाइबा लागि समस्ते मिलीमिशी मानस को पिटी पिटी मारिदेले चिप आदाय पई शर्मिष्ठा सूचना और लोक संपर्क विभाग पूर्वतन निर्देशक निरंजन सेठी सह आलोचना करिथिले बोली जुना क्राइमब्रांच को जणाइछि तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भद्रग्राम प्रतिनिधि दीप्ति आम सहित जोड़ी होइछन्ति लाइव तबे दीप्ति सामान्य 10,000 टंका पाई जीवन नहींगले शर्मिष्ठा झुना एवं जो रंजन एवं निरंजन सेठी कथा कहुची एवं क्राइमब्रांच आगे झुना समस्त तथ्य देती तेरे केवल 10,000 टंका पाई जीवन नहींगले कथा तो हजम होनी सहजरे कहीं बड़ बड़ नेता मंत्री कथा सामना को आसुची किंतु से मेमोरी चिप्रे एमती कौन थी मानस 10,000 टंका मागुला
निश्चित भाव स्वप्न आप जानते भल भाव कैमेरामैन मानस स्वाई की जपरि भाव में हत्या करागला से घटना देखिए जो मुख्य अभियुक्त शर्मिष्ठा राउत को आरंभ कर जुना बोई निरंजन सेट्टी रंजन नायक पूर्वर मैं देखिए पूर्व तीन जन अच्छा बेक भाया अभियुक्त भी जी संपुक्त भाव देखिए तेल एवं क्राइमब्रांच हाथ में तदंत भार चली देखिए द्वितीय दफा रिमांड अवधि सरी गत काली आज चांदबाली जेएम एफ सी कोर्ट में दुई जो अभियुक्त तीन दिन जो द्वितीय थर पर रिमांड नहीं जुना बोई और शर्मिष्ठा राउतर तक अवधि सरी आज चांदबाली जेएम एफ सी कोर्ट में हाजर कर तीन दिन भितर निहाती भाव में क्राइमब्रांच अधिक रु अधिक तथ्य पाई जेहेतु मुख्यतः कहुचे आपड़ जानते स्वप्ना जो मेमोरी चिप चिप एपर्त क्राइमब्रांच हाथ में लगी कि नहीं ताकू नहीं कि राज्यवासी समस्त अन रही से जो चिप कथ आप जो कहते निहाती भाव में ए चिप्रे एमती कौन भिडियो था जहाँकि मानस कैमेरामैन मानस स्वाई को हत्या करागला जो 10,000 टंका आपन कहउछन्ति नियाती भाव पूर्व देखूँ जो देखिए मानस स्वाई दीर्घ दिन हम से संपूर्ण वेब मीडिया काम करुले जो दरमा कथा कहुच्छे दरमा पैसा हुए तो रही थी पारे जहाँ को मानस स्वाई मागि डिमांड करते मागि शर्मिष्ठा को किंतु शर्मिष्ठा दे ना जहाँ आजिकार जो पेपर में बाहरी जहाँ को झुना परिप्रकाश कर क्राइमब्रांच आगे कि देखिए शर्मिष्ठा एवं भी मानुना जेहेतु मेमोरी चिप क्यों जगार रखी एवं मेमोरी चिप्रे एम कौन थी नहीं कि कौड़ी ना कौड़ी क्राइमब्रांच निहाती भाव में तदंत कर क्राइमब्रांच हाथ में लगी कि नहीं जदि बा क्राइमब्रांच हाथ में मेमोरी चिप लगी निश्चित भाव में मानस स्वाई की कौथपाई हत्या करागला तार रहस्य बाहरी पार कि देखते ये जी देखिए प्रश्न उठू जेहेतु क्राइमब्रांच द्वितीय थर पर रिमांड नहीं जुना बोई और शर्मिष्ठा राउत को एमती तीन दिन भितर कौन तथ्य पाई जो मेमोरी चिप कहला एपर्त हाथ में लगी कि नहीं मेमोरी चिप भितर कौन क्यों भिडियो फटो थी ए बड़ बड़ मंत्री नेता लोक मैंने सामिल अच्छा निहत भाव में तदंत परिसरभुक्त कर क्राइमब्रांच ताकू नहीं कि कौटी ना कौटी राज्यवासी समस्त अन रही एवं संपूर्ण भाव में जदि क्राइमब्रांच आज हुए तो चांदबाली जेएमएफसी कोर्ट में दुजन को प्रड्यूस कर सूचना रोचे गोटे रु तीन भितर चांदबाली जेएमएफसी कोर्ट में हाजर करेंगे किंतु पुणी थे एक तीन दिन भितर कौन तथ्य पाइले जहाँ को लेकिन राज्यवासी को जनवा दरकार हाजर कर सब भितर सन्देह यह आसूरी जिते बड़े अंडरटेकिंग चित्र सामना को आसला वायराल भिडियो अंडरटेकिंग ने छाड़ी दिया जाए थला एक कथा शर्मिष्ठा कहते से सब भितर झुना केमती बयान रखुचे 10,000 टंका अर्थात मेमोरी चिप देवाई 10,000 टंका डिमांड करुला मानस जो पिटी पिटी मारी दिया जाए घटन केत अच्छी क्राइमब्रांच को तदंत करने पड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तरंजन साहू भद्रक प्रतिनिधि आमको एक खबर बाबद अधिक सूचना देते स्वप्न आम परवर्त खबर को आसवा चाषी प्रसंग सबुले गुरुत्व रखे था जितेबाला चाषी होती चाषी जो आम पेट को दाना जाऊँच कि राज्य चाषी सब अवहेलित जिते बड़े राज्य सरकार कहते आम चाषी योजना करुचु चाषी कथा चिंता करुचु चाषी समस्त व्यवस्था करुचु किंतु ये चित्र सामना को आसूरी चाषी काम आसुनी कुलापड़ा जलसेचन प्रकल्प खबर आसूरी खोर्धार तेज बड़ प्रश्न जमी अधिग्रहण होती कहीं जलाशय खोला जाऊनी जिते बड़े चाषी काम आस 31 वर्ष तेज निर्माण करापड़ा जलसेचन प्रकल्प हेले अवहेलित अवस्था पड़ी अधिक आलोचना करने संग्राम मोर्ता खोर्धा प्रतिनिधि आम सहित शासक जोड़ संग्राम चाषी काम जदि आसुनी ये जलसेचन प्रकल्प थी लाभ कौन जदि जमी अधिग्रहण हो कहीं जलाशय टे खोल पारुनी चाषी टे केमती जमी को पा मड़ाइब चाष कार्य कोमती आग को नब कौटे असुविधा रही जाऊँगी संग्राम देखो निवेदिता ये अन्नदाता प्रत्येक क्षेत्र में अवहेलित आज सरकार क्षेत्र राज्य सरकार कहते अनेक योजना करी मान चाषी निकट में सठीक भाव पहुंची पार नहीं जो चित्र आसी कुरापड़ा जलसेचन प्रकल्प कथा जो क्षुद्र जलसेचन विभाग जो अच्युतपुर और सरपारी ग्राम पर दुईट ग्राम पर जलसेचन प्रकल्प निर्माण कर हजार हजार हेक्टर चाष जमी जलमग्न हम और तापरे चाषी निर्भर कर चाष करता कि 31 वर्ष पूर्वे जो लक्ष लक्ष टा व्यय अटकल क्षुद्र जलसेचन विभाग पक्ष प्रकल्प निर्माण करागला चाषी को हित लगे जो तो निर्माण कराइला जहाँ क्षुद्र जलसेचन विभाग आईन रही रूल रही चाषी मान सहित आलोचना करोटी करागले प्रकल्प चाषी मान उपकृत हो पारे समस्त आलोचना करा विभाग पक्षर से
प्रकल्प निर्माण कराए कि निर्माण जो प्रकल्प निर्माण सर जाए एक तीस वर्ष है कि बर्तमान चाषी हितर आसुना लक्ष लक्ष टा व्यय ठिकादार और जंत्री पशी हेले से पकट को पिसी चलीगला ठिकादार अर्थ नहीं चलीगले कि जहां सरकारी अर्थ व्यय कराला चाषी मानी चाषी मान हितर बर्तमान सुधा आसी पारा ना एक वर्ष है चाष करवा बर्तमान चाषी मैंने सूचना दौर चाषी मानी लाभदायक हो पार ना सठीक भाव जल हो पार ना जो एक वर्ष पूर्वे जो प्रकल्प निर्माण कराला से बर्तमान आरी बंध कहतु और जल भंडार निर्माण बर्तमान सुधा कराला ना लक्ष लक्ष टा व्यय अटक से जो आनिकट निर्माण करता बंध ब्यारेक् निर्माण करवा कथा और बंध निर्माण कर पा जमा संरक्षित रखा जत खरा दिन आसो से जो जलसेचन प्रकल्प कम आसो लोक निकटने चाष जमी में जल जीव लोक चाषी मैंने सुरखुरीजर खरीफ ऋतु में चाष जमी चाष करेंगे किंतु बर्तमान सरकार कौटना कौटी सरकार अन्नदाता अनेक योजना कथ कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में अन्नदाता जी अवहित रही सरकार अनेक योजना कथ कहते वास्तविक लोक मिकटने योजना सठिक भाव पहुंच पार ना कौटना कौटी सरकार घोषणा करुवा जो विदेश विभाग कथा कहतु जलसेचन विभाग कथ कहतु अनेक योजना हूँ लक्ष लक्ष कोटी कोटी टा व्यय अटक रोचे कि चाषी मान निकट सठिक यह पहुंची पार ना देखा चाषी मान निकट जो आंतरिकता अभाव रोच जलसेचन विभाग कथ कहतु सरकारी बाबू कथ कहतु और ठिकादार पोषा नीति से कौटना कौन चाष सदा सब क्षेत्र में अवहेलित अवस्था पड़ रही और सठिक भाव लोक मिकट चाषी मान निकट योजना सठिक भाव पहुंची पार ना अनेक थर दाबी हूँ जो घटना जो पूरापड़ा जलसेचन प्रकल्प हूँ एक वर्ष पूर्वर एक वर्ष है बर्तमान सुधा संपूर्ण हो पारना कहीं जदि एक वर्ष पूर्वे जलसेचन प्रकल्प निर्माण करपड़ा जलसेचन प्रकल्प कहीं अवहेलित अवस्था पड़ रही है कहीं पुनः कार्यक्षम कराऊपाई चाषी समस्या भोगुच्च बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम होता खोर्धा प्रतिनिधि आम सहित तो जोड़ी थे खबर बाबद आलोचना करते स्वप्न एक बड़ खबर आसूरी नजर पकई ना प्रधानमंत्री प्रातः भोजन में ओडिया सांसद गुरुमंत्र पारती मोदी राज्य राजनीतिर परिस्थिति को नहीं होपे आलोचना केन्द्र योजना को ग्राउंड स्थिति नहीं होपे सीधासख कथबार्ता ओडा अर्थात ओडिशा समेत हरियाणा दिल्ली और उत्तराखंड बीजेपी सांसद को डाकी मोदी पंचायत और पौर निर्वाचन परे बीजेपी राज्य नेतृत्व को नहीं दिल्ली में हो बैठक एक सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेटी समीर महांती विधायक दिल्ली गस्त कर विभिन्न नेता मंत्री को साक्षात करते अधिक आलोचना करवा नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन मिश्रा आम सहित फोनलाइन जगह जोड़ गगन प्रधानमंत्री प्रातः भोजन में ओडिया सांसद को डाकी कि गुरुमंत्र पारती ओडिशा समेत अन्य राज्यर सांसद मैंने देखिए 1700 लोकसभा निर्वाचन पूर्व 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व एमती दुई थर सांसद मानी सका जलखिया प्रधानमंत्री डाकि आज जैसे पुणी से अपर्चुनिटी प्रधानमंत्री देखते कहीं देखिए जो कोविड समय रहा पाखापाखि दुई वर्ष है समेत तमाम जो राज्य रही जोटा की बीजेपी आगामी दिन में फोकस करुच्च से कमबैक करने से सबू राज्य गुड़िकर सांसद मान सहित प्रधानमंत्री सेमती किसी गुरुत्वपूर्ण बैठक देखिए बर्तमान जेहतु ओडिशा दुईट गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन गला पंचायत निर्वाचन कथा कहतु पौर इलेक्शन कथा कहतु जदिव सीट आसी ना कि भोटिंग परसेंटेज आप देखिए भोटिंग परसेंटेज को लेकिन कौटना कौटी पार्टी वार्कर मैंने 2024 जो एजेंडा बीजेपी बर्तमान आगक बढ़ुची हूं से किसी भल प्रदर्शन करे देखिए निकट में जेपी नड्डा को जिते भेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिते राज्य अध्यक्ष समीर महांती नेतृत्व में गोटे टीम भेटी से देखिए पृथ्वीराज हरिचंदन कहे जो 2024 मिशन को लेकिन चर्चा होती खूब शीघ्र जेपी नड्डा ओडिशा गस्त करेंगे तेणु प्रधानमंत्री सहित जो पुणी आलोचना होती तेज निश्चित भाव अनेक गुड़े प्रसंग आसी पारे हुए तो ये जेहेतु दिल्ली कथा कहतु हरियाणा कथ कहु उत्तराखंड कथ कहु वर्ष शेष को जेहेतु गुजरात हिमाचल में रही निर्वाचन रही है और देखिए उत्तर प्रदेश निर्वाचन निकट में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तेणु आगामी निर्वाचन को लेकिन केन्द्रीय टीम को लेकिन ये दुईट बड़ मुद्दा हो पाए आगामी निर्वाचन और जो केन्द्रीय टीम रही ओडिशा कि प्रतिफलित सांसद मान भूमिका कौन नौ जो पंचायत और पौर इलेक्शन गला से सांसद मैंने केडेट देते अनेक क्वेश्चन ये आसू हूं ये सब पॉइंट पर प्रधानमंत्री फोकस करती बैठक पर ही स्पष्ट हम जे उभय जो लोकसभा राज्यसभा जेहत अश्विनी वैष्णव रही सी बैठक में उपस्थित होबानी खबर अच्छी जहां बर्तमान पर्यंत मो पाखे खबर अच्छी बसंत पंडा जो रही प्रताप षडंगी एने अलरेडी पहुंची सारे बैठक
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୈଠକ ସରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରିବୁ ବା ରିଏକ୍ସନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାଂସଦ ମାନେ କଣ କଣ କିଛି ଦାବି ବା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି। ନିହାତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଗନ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏହି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ। ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି।